सरजमीन ईरान का एक गोशा जमीन की 500 मीटर गहराई में एक ऐसा शहर जिसका तसव्वुर भी दुश्मन के लिए महाल है। हमारे साथ आइए और इस्लाम के सिपाहियों की दिफाई सलाहियतों और तवानाई पर नजर दौड़ाइए। मैं ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि मुल्क की सलामती और अर्जी सालमियत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आने दी जाएगी। ये सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादी के जेर जमीन कायम सिर्फ एक मिसाइली शहर के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट है। जेर जमीन एक आतिश फिशां, जो आतिश फिशानी करे तो अगियार को जलाकर राख कर दे। ईरान किसी जंग में पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर अगियार ने जरा सी भी गलती की तो ईरान के दूर मार करने वाले मिसाइल अड्डे जमीन की गहराइयों से आतिशफिशा की मानिंद फटकर दुश्मन को जला देंगे। हम हर वक्त तैयार हैं, सिर्फ इमाम खामनाई के जुम्बिशे लब के मुंतजर हैं। ये तो ईरान की दिफाई ताकत और तवानाई का महज एक गोशा है। ये बर्फ के उस पहाड़ की मानिंद है जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। दुश्मन ईरान को मैली आंख से देखने की भी कोशिश न करे। ईरान के जेर जमीन मिसाइल शहरों का दौरा और दिफाई आमादगी का जायजा लेना सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर के दायमी प्रोग्रामों में शामिल है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के दूर मार करने वाले जेर जमीन मिसाइल अड्डे मुल्क के तमाम सूबों और शहरों में कायम है, और ये तमाम मिसाइल अड्डे बुलंदो बाला पहाड़ों के अंदर 500 मीटर की गहराई में वाके हैं। ईरान के खिलाफ हर ऑप्शन मेज पर होने की बात करने वाले जरा एक नजर मेज के नीचे मौजूद ईरान के ऑप्शन पर डालें। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर नस्ब चलाए जाने के लिए आमादा और उंगलियां लबलबी पर हैं। सिर्फ मुसल्ला फौज के कमांडर इन चीफ आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनाई के फरमान के मुंतजर हैं।